हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ में मटर पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये एक मैं एक अलग अंदाज में बना रही हूँ, नए तरीके से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर पनीर की सब्ज़ी एक ही नए स्टाइल में। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हरी मिर्च कट कर ली है, तो थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है, ये हमने दो प्याज लिए हैं, इनको थोड़ा सा ग्राइंडर में पीस लिया है, टोमेटो दो पीसे हैं मैंने यहाँ पे, ये 100 ग्राम पनीर है, और हरी मटर, थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, और ये मसाले हैं जिन्हें हम अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई हमारी गर्म हो चुकी, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को भी गर्म कर लेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को हम थोड़ा सा सैलो फ्राई कर लेंगे और पनीर हमारा सैलो फ्राई हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। हम इसी कढ़ाई में थोड़ा और तेल डालेंगे और गरम होने देंगे। हमारा अच्छे से चटक चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हम अपने प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज को अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है तब तक। तो यहाँ पे हमने कद्दूकस की हुई थोड़ी सी अदरक डाल दी है और इसे थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। प्याज अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, नमक डाल देंगे और इसे पकने देंगे। हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम अपने इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हमारा ये टमाटर और प्याज थोड़ा सा पक गया है, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम 1/2 स्पून हल्दी डालेंगे, 1 स्पून धनिया डालेंगे, 1/2 स्पून गरम मसाला डालेंगे और 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें हम मसालों को मीडियम फ्लेम में ही पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाएं, जले नहीं। इन सबको मिला लेंगे अच्छे से और पकाएंगे। हमें इसमें ये भुना हुआ बेसन भी डालना है, तो हम इसी स्टेज पे बेसन भी डाल देंगे और इन सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें अपना मसाला थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इसमें नमी आ जाएगी, गीला हो जाएगा, जिससे ये और अच्छे से पक सके। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और पकने देंगे जब तक कि ये थोड़ा सा तेल नहीं छोड़ देता है, तब तक हमें इसको पकाना है। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने मटर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इन्हें पकने देंगे। जिससे पानी ऐड करने के बाद हम इन्हें ढक के थोड़ी देर, कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे मटर अच्छे से पक जाए। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर नहीं यूज़ किया है, फ्रेश मटर यूज़ की है। आप चाहें तो ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पूरा वाटर ऐड किया है। तो देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है और इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए कितनी ज़्यादा सही है। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक कर पकने देंगे। हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है और हमारी मटर भी अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें अपनी पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है पनीर को और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है सब्ज़ी की। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक बार ऐसे मटर पनीर बनाइए घर पे, बहुत अच्छा लगेगा। इसको 1 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, इसके बाद हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है और देखिए कितनी ज़्यादा इसका कलर, देखिए देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। हमने यहाँ पे अपनी सब्जी को सर्व कर लिया है और देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, एकदम गर्मा गर्म। तो देखिए आप इसको पूड़ी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स। तो आज की हमारी रेसिपी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।